हिमाचल के नूरपुर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर एकजुट हुए हैं। आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को एसडीएम नूरपुर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है। धर्म प्रसार प्रांत अध्यक्ष एवं चंबा विभाग के उदय पाटनिया की अध्यक्षता में ज्ञापन सौंपा गया है। इस अवसर पर उदय पाटनिया पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद जिला नूरपुर ने इस ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री से मांग की है कि हिमाचल प्रदेश में बढ़ रही धर्मांतरण एवं लव जिहाद की घटनाओं पर प्रदेश सरकार कड़ा संज्ञान ले। हाल ही में शिमला, नूरपुर, चंबा, तीसा में लव जिहाद की घटनाओं में तेजी आई है तथा चंबा व तीसा में जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर गौ तस्करी की घटनाओं में भी वृद्धि हुई है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में इन गतिविधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मांग की है कि अधिकारियों को निर्देश दिए जाएं कि ऐसे मामलों को सख्ती से निपटा जाए। उदय पाटनिया ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि विश्व हिंदू परिषद देवभूमि में धर्मांतरण एवं लव जिहाद जैसी घटनाओं को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और विश्व हिंदू परिषद इन घटनाओं को जड़ से उखाड़ने के लिए कृत संकल्प है। कांगड़ा से संवाददाता दौलत चौहान की रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिषद जिला नूरपुर के कार्यकर्ता, पांचों प्रखंडों के कार्यकर्ता, हम लोग एसडीएम साहब के माध्यम से हमने मुख्यमंत्री महोदय को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें विश्व हिंदू परिषद ये मांग करती है मुख्यमंत्री महोदय से कि हिमाचल प्रदेश में जो लव जिहाद और गौ तस्करी की जो घटनाएं हैं और धर्मांतरण की जो घटनाएं हैं, ये जो बढ़ रही हैं, इस पर अंकुश लगाया जाए। ज़िला तीसा में जो ज़िला तीसा और चंबा का कुछ जो एरिया है जो जम्मू कश्मीर के साथ बॉर्डर पड़ता है, वहाँ पे गौ तस्करी की बहुत बड़ी तादाद में घटनाएं हो रही हैं। तो हमारी मुख्यमंत्री महोदय से इस ज्ञापन के माध्यम से मांग है कि इन घटनाओं पर अंकुश लगाया जाए और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए जाएं कि इन घटनाओं की जो है सख्ती से निपटा जाए। विश्व हिंदू परिषद किसी भी रूप में हिमाचल प्रदेश देवभूमि में धर्मांतरण को और लव जिहाद और गौ तस्करी की जैसी घटनाओं को जड़ से काटने के लिए कृत संकल्प है। ये हमारा आज का मांग थी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।